नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा। नागपुर शहर में केबल मशीन का सूटकेस लूटने के मामले में रामटेक पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इन आरोपियों द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में हाईवे से केबल मशीन का सूटकेस लूटने की खबर मिली है। पुलिस उनसे इस मामले में गंभीरता के साथ पूछताछ कर रही है। उमेश कुमार रामराज यादव 29 वर्षीय नागपुर निवासी केबल ऑपरेटर का काम करते हैं। उनका भोपाल हाईवे क्रमांक 7 पर मौजा आमड़ी रामटेक में अंडरग्राउंड केबल डालने का काम शुरू था। 28 सितंबर 2018 की रात 10 बजे के करीब उमेश कुमार बाइक पर लेबर हुमायूं खान को साथ में लेकर अंडरग्राउंड केबल डालने केबल मशीन का सूटकेस लेकर मंसर की ओर जा रहे थे। इसी बीच कार से आए 4 लुटेरे ने उन पर हमला कर 7 लाख रुपए की मशीन का सूटकेस लूटकर भाग गए थे। रिपोर्ट पर रामटेक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। रामटेक पुलिस को सूचना मिली कि केबल मशीन का सूटकेस चोरी करने वाले एक गिरोह को राजस्थान बीकानेर जिले की बीछवाल पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी ने मंसर से उक्त मशीन लूटने की बात कबूल की। पुलिस ने उन आरोपियों के पास से मशीन और कार सहित 11.50 लाख का माल जब्त किया। फरार आरोपी नरेश कुमार राजेंद्र प्रसाद दिल्ली निवासी की पुलिस सरगमी से तलाश कर रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।